हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हम अपनी PT365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैगजीन कर रहे थे, चलिए हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। स्पेस बेस्ड इंटरनेट, अभी क्या है, रिसेंटली जो अमेरिकन कंपनी है SpaceX, उसने 60 स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं जिसका वजन 500 केजीज के अंडर है। कहाँ पे लॉन्च करी? लो अर्थ ऑर्बिट में। इस वजह से क्या है, हम जो लो कॉस्ट इंटरनेट है हम सब लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। डिटेल्स क्या है, इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो स्टारलिंक नेटवर्क है। इसके अंडर क्या करेंगे, हम 42,000 स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिलेशन बिल्ड करेंगे, जिसका एम यही है कि हम अर्थ पे सब लोगों को नॉन स्टॉप और लो कॉस्ट में इंटरनेट सप्लाई कर सके। ये क्या करेगा, बीकॉन्स यूज़ करेगा। इससे क्या है, अर्थ पे क्या सिग्नल्स भेज सकेंगे फ्रॉम अराउंड 350 किलोमीटर टू 1200 किलोमीटर यूजिंग KAN द KU फ्रीक्वेंसी बैंड्स को। इससे क्या करेगा, जो मैसेजेस पहुंचेगा वो दुगनी स्पीड से पहुंचेगा एज़ कम्पेयर टू द फाइबर, ठीक है। और क्या करेगा, इंटरनेट अर्थ पे पहुंचाएगा रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन हेयर हेड एंड द स्टार। स्पेस बेस्ड इंटरनेट क्या ये एबिलिटी है, ताकि हम क्या कर सकें, जो ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स हैं उनको यूज़ कर सकें, ठीक है, टू सेंड एंड द रिसीव डाटा। ऑल्दो क्या सैटेलाइट इंटरनेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो स्पेस बेस्ड इंटरनेट है वो फास्टर है और उसके बाद एबिलिटी टू वर्क अक्रॉस द ग्लोब। अभी क्या, इसको वर्क करने के लिए क्या, हमें थाउजेंड्स ऑफ लो कॉस्ट सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा इनटू द ऑर्बिट अबव द अर्थ, ठीक है। हाउएवर देखो, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से डिफर है, क्योंकि क्या है, जो सैटेलाइट इंटरनेट है उसमें मेनली क्या, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को कॉमनली यूज़ किया जाता है, जबकि जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट जो यूज़ होती हैं उनको कॉन्स्टेलेशन में यूज़ करते हैं। और थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स इन अ ग्रिड लाइक पैटर्न टू प्रोवाइड द कंटिन्यूस इंटरनेट कवरेज, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें बेटर एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेगी, मोर अफोर्डेबल वे में हमें इंटरनेट प्रोवाइड होगा, 24x7 अवेलेबिलिटी रहेगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की और टेक्नोलॉजी की। हाउएवर जो एरिया कवर्ड है इसके अंडर वो वेरी लेस एज कम्पेयर टू, ठीक है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग अभी नासा ने अनाउंस किया कि वो यूज़ करेगा एक फिनोमिना ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग का उसकी रिसर्च में। अब इससे क्या पता लगाएगा, नासा चाह रहा है, नासा यूज़ करेगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का। इससे क्या करेगा, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा एस्ट्रोनॉमी की और कॉस्मोलॉजी की। रिसेंटली नासा ने अनाउंस किया कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि स्टार्स बनते कैसे हैं, बोर्न कैसे होते हैं। इसके लिए वो हेल्प लेगा किसकी, नेचुरल फिनोमिना जैसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इस प्रोग्राम का नाम क्या, टेम्पलेट, जिसकी डेफिनेशन है टारगेटिंग एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड पेंक्रोमेटिक लेंस्ड आर्क्स एंड देयर एक्सटेंडेड स्टार फॉर्मेशन। अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है, देखो ये फिनोमिना होता है, इसके अंडर क्या होता है, जो गैलेक्सी होती हैं या फिर मैसिव गैलेक्सी है तो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज हैं, वो एक इस तरह का ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करती हैं कि वो लाइट को क्या कर देते हैं, मैग्नीफाई कर देते हैं। देखो लेंसिंग का नाम ही कहता है, लेंस करता क्या है, इमेज को मैग्नीफाई कर देता है। उसी तरह से जो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज हैं वो इस तरह का ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेंगी कि वो लाइट को मैग्नीफाई कर देगी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बिहाइंड इट, ठीक है। इससे क्या होगा, जो लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो क्या करेंगी, लाइट को मैग्नीफाई कर देंगी फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सीज दैट आर, मतलब कि जो इतनी पास नहीं है लेकिन वो इतनी मैग्नीफाई हो पाएंगी क्योंकि हम उसको पढ़ पाएंगे। सो इन दिस वे दिस ऑब्जेक्ट एक्ट्स एज नेचुरल कॉस्मिक टेलीस्कोप, और इसको हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलते हैं। इससे क्या होगा, जो गैलेक्सीज मतलब कि जितनी एक्चुअल वो साइज में है उससे ज़्यादा बड़ी दिखेंगी और ब्राइटर दिखेंगी, क्योंकि ये मैग्नीफाई कर देगा अप टू 50 टाइम। इसका एप्लीकेशन क्या, देखो हम क्या करेंगे, गैलेक्सीज को स्टडी कर पाएंगे जो कि बहुत दूर होती हैं, जो हम किसी भी पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप से नहीं देख सकते। इससे ग्रेविटेशनल लेंसिंग से हम उन गैलेक्सीज की स्टडी कर पाएंगे, हम कुछ यूनिवर्स में जो इनविजिबल थिंग्स हैं उनको भी ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्योंकि जो डार्क मैटर होता है वो ना ही एमिट करता है ना ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है ऑन इट्स ओन। हम क्या करेंगे, स्टार फॉर्मेशन कैसे हुई उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे बाय स्टडिंग कि इस गैलेक्सीज ने किस तरह स्टार को फॉर्म किया है एंड हाउ दैट स्टार फॉर्मेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द गैलेक्सी। हम क्या करेंगे, कुछ पास्ट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस तरह से मिल्की वे बना है, या किस तरह से क्या मिल्की वे जो गैलेक्सी थी पहले वो सन के जितनी थी, ठीक है, जो भी है इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर पढ़ते हैं कुछ और न्यूज़ है, देखो अभी बाईसेक एक इंस्टीट्यूट है जो कि गुजरात में खुलेगा, दैट इज़ द भाष्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन। कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि वो भी इस इंस्टीट्यूट को गुजरात में खोलेगी। किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो बाईसेक है वो स्टेट एजेंसी है किसकी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की। ये एक ऑटोनॉमस साइंटिफिक सोसाइटी है, किसके अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, इंस्टेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो बाईसेक है वो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, ताकि क्या है, हम जिस तरह से जो स्पेशल टेक्नोलॉजीज हैं, जो स्पेशल टेक्नोलॉजीज हैं उनका यूज़ कर सकें फॉर द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लैंड एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट से, वेस्टलैंड वाटरशेड डेवलपमेंट से, फॉरेस्ट्री डिजास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, देखो इस बाईसेक सेटअप करने से करेंगे हम जो एफिशिएंसी है उसे मेंटेन कर पाएंगे, इनोवेशन कर पाएंगे, ठीक है, और हम जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें
एक्सपेंड कर पाएंगे, उनका जो स्कोप है उनको एक्सपेंड कर पाएंगे। एफिशिएंट रोल आउट ऑफ द जीआईएस प्रोजेक्ट्स एंड द फैसिलिटेट एड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एट द इंस्टीट्यूट। ठीक है, लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमन। अभी क्या जो नासा की एस्ट्रोनॉट थी क्रिस्टीना कोच, वो अर्थ पर रिटर्न हुई है आफ्टर उन्होंने 328 डेज स्पेस में गुजारे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है कहीं पर जेंडर्स में, जो मेल है उसने 438 डेज गुजारे हैं, इससे पहले वैलेरी पोलोस्की जो रशिया के। अब क्या है, इन्होंने जब इतने डे गुजारे मतलब लॉन्ग स्टे रही है, इससे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें मिलेंगी, हमें ये पता चलेगा एक फीमेल बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा स्पेस ट्रैवल करने का। और एजेंसी उस तरह से प्लान करिए किस तरह से हम मून पे क्या है ह्यूमंस को भेज सकें अंडर आर्टेमिस प्रोग्राम, ये हमने कल ही पढ़ा था, और प्रिपेयर कर सकें ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ द मार्स। आगे बढ़ते 30 मीटर टेलीस्कोप। देखो 30 मीटर टेलीस्कोप क्या है, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, इसमें एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप बनाएंगे 30 मीटर डायमीटर का। इट वुड बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप। रिसेंटली क्या डिमांड की जा रही है कि इस जो प्रपोज टेलीस्कोप को शिफ्ट करने की बात करी जा रही है, कहाँ से, माउना की वोल्केनो जो कि हवाई में, ये एक सेक्रेट लोकेशन है आइलैंड की नेटिव पॉपुलेशन की। तो कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, फंड कौन कौन कर रहा है, यूएसए, कनाडा, चाइना, इंडिया और जापान कर रहे हैं। अब क्या है, जो पुणे की डेवलप्ड थॉटवर्क्स टेक्नोलॉजी कंपनी है वो क्या कर रही है, वो डेवलप कर रही है टेलीस्कोप कॉमन सॉफ्टवेयर फॉर दिस 30 मीटर टेलीस्कोप। अभी क्या है, जो कंट्रीब्यूशन कौन कंट्री कितनी कंट्रीब्यूट करेगी वो डिटरमाइन करेगा अमाउंट ऑफ व्यूइंग टाइम दैट द मेंबर कंट्री साइंटिस्ट गेट्स ऑन टू द मशीन। दस इंडिया इन अ गिवन ईयर स्टैंड्स टू गेट 10% ऑफ द अवेलेबल स्लॉट। ठीक है, तो इंडिया को 10% स्लॉट मिला क्योंकि उसने कंट्रीब्यूशन उतना ही किया। ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी कंसोर्टियम, अभी क्या है, इंडिया को वो डिस्कस कर रहे हैं कि जो ईस्ट एशिया ऑब्जर्वेटरी कंसोर्टियम में उन्हें ऐड किया जाए या नहीं किया जाए। 8 कंट्रीज का कंसोर्टियम है, वो सोच रहा है कि इंडिया को उसका पार्ट बनाना है या नहीं। इसके अंदर तो 4 फुल मेंबर्स है, चाइना, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, और जबकि 4 कंपनीज ऑब्जर्वर्स हैं, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया। जो ईस्ट एशिया ऑब्जर्वेटरीज हैं वो फॉर्म की गई थी किसके द्वारा, ईस्ट एशियन कोर ऑब्जर्वेटरीज एसोसिएशन के द्वारा। इसका पर्पस यही था फॉर परस्यूइंग ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स इन एस्ट्रोनॉमी विद इन द ईस्ट एशिया रीजन। प्रूनेट्स के अभी एक एस्ट्रोनॉमर्स ने कहाँ के रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटीज़ ने, उन्होंने एक न्यू क्लास ऑफ सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट किया जिसका नाम है प्लूनेट। प्लूनेट्स क्या होता है, ऑर्फन मून्स होती हैं जो कि अपने पेरेंट प्लैनेट्स का जो उनका जो ऑर्बिट होता है उसको उन्होंने एस्केप कर दिया और अब स्टार्स में क्या है, स्टार्स के आसपास वो ऑर्बिट करने लगे हैं। प्लूनेट्स ये हेल्प कर सकते हैं, कुछ एक्सोप्लैनेटरी फीचर्स बता सकते हैं। एक्सोप्लैनेटरी फीचर्स क्या होते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के जो प्लैनेट्स होते हैं उन्हें हम एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। तो उनके क्या फीचर्स हैं, उनकी हमें फीचर्स पता लगेंगे और प्लैनेट की डिटेल्स हमें पता चलेंगे, किस तरह से प्लैनेट फॉर्म हुआ उस तरह से पता चल सकता है। ठीक है, प्लैनेट्स लेकिन अभी भी हाइपोथेटिकल ही माना जा रहा है। एरोकैट क्या, रिसेंटली क्या अल्टीमा थ्यूले को रीनेम किया गया एरोकैट, और एरोकैट क्या एक नेटिव अमेरिकन टर्म है, इसका मतलब होता है स्काई, मतलब एरोकैट का मतलब होता है स्काई किस लैंग्वेज में, एलोंगियन लैंग्वेज में। ठीक है, देखो एक कॉन्टैक्ट बाइंड होता है, सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, इसमें दो लोब्स होती हैं और लोब्स क्या होते हैं आपस में कॉन्टैक्ट में होती है। नासा ने अडॉप्ट किया द लार्ज लोब अल्टीमा एंड द अदर विच इज अबाउट ये 3 times स्मॉलर थ्यूले। ठीक है, ये जो एरोकैट है ये कहाँ पे लोकेट है, क्यूनर बेल्ट में लोकेट है बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपट्यून। न्यू होरिजन पहला मिशन था टू एक्सप्लोर द क्यूपर बेल्ट, जो आईसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्यूपर बेल्ट के आर द रेमिनेंट्स लेफ्ट ओवर द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। मैनी क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स हैव रिमेंड अनच, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं क्यूपर बेल्ट के जो इतने सालों से अनचेंज रहे हैं। ठीक है, प्लूटो जो लाइज करता है वो क्यूपर बेल्ट में ही लाइज करता है। ये 2014 में डिस्कवर किया गया था न्यू होरिजन के द्वारा यूजिंग पावरफुल हबल स्पेस टेलीस्कोप। नासा ने न्यू होरिजन मिशन 2006 में लॉन्च किया गया आफ्टर क्रॉसिंग बाय प्लूटो इन 2015। इन जनवरी 2019 इट फ्लू बाय एरोकर। ठीक है, दिस रिमेन द फार्देस्ट फ्लाई बाय एवर कंड, मतलब कि ये आज तक की सबसे दूरी वाली जो है जहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया हुआ। ठीक है, एक्रीशन बर्स्ट इवेंट, देखो एक्रीशन बर्स्ट इवेंट क्या होता है, जब कुछ स्टार्स बन रहे होते हैं तो कुछ काफ़ी वो मैसिव सब्सटेंसेस होते हैं वो स्वेलो करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है वो बर्स्ट हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक्रीशन बर्स्ट। ठीक है, तो ये इवेंट काफ़ी रेयर होते हैं और अभी तक इस ऐसे सिर्फ 3 इवेंट्स ही हमने डिटेक्ट किए हैं, तो अभी जो 3rd इवेंट है वो हमने डिटेक्ट किया है रिसेंटली। क्या है, रेयर ग्लिम्स हमने देखने को मिली है, एस्ट्रोनॉमर्स ने उसे कैच किया। आफ्टर जो फर्स्ट डिटेक्शन थी एक्सीशन बर्स की वो 2016 में डिटेक्ट करी थी। ठीक है, फिर 2017 में इन एस्ट्रोनॉमर्स ने सोचा कि चलो कोऑर्डिनेट अपने एफर्ट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करने की, तो इसलिए क्या किया उन्होंने फॉर्म किया मेसर मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ठीक है, तो मेसर मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है साइंटिस्ट की, इसमें क्या करते हैं वो यही सब कुछ स्टडी करते हैं कि किस तरह से मैसिव स्टार्स का बर्थ हुआ, किस तरह से कॉस्मिक फिनोमेना, इन सबको क्या करते हैं वो करते हैं स्टडी करते हैं। ठीक है, इस इवेंट से क्या एस्ट्रोनॉमर्स को पता चल जाएगा कि किस तरह से जो स्टार्स हैं वो अपना मास गेन करते हैं या क्या थ्योरीज हैं किस तरह से वो डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये सारा आप पढ़ लेना, मैं आपको जो अच्छा अच्छा है सब कुछ बता रही हूँ। गोल्डी लोक जोन क्या होता है, देखो नासा का भी
नासा का जो टेस्ट है दैट इज़ अ ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, उसने एक अर्थ साइज प्लैनेट को डिस्कवर किया जिसको नाम दिया है इन्होंने TOI 700T, जो कि ऑर्बिट कर रहा है स्टार का जिसका नाम है TOI 700 गोल्डीलॉक्स जोन। अब गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है, ये स्टार के अराउंड एक हैबिटेबल जोन होता है जहाँ पे ना ही ज़्यादा हॉट होता है ना ही ज़्यादा कोल्ड होता है लिक्विड वाटर के लिए, तो वहाँ पे वो एग्जिस्ट करते थे। अर्थ क्या है सन के गोल्डीलॉक्स जोन में, ठीक है, आपको पता है सन के अराउंड अर्थ मूव करती है, ठीक है, हाँ अराउंड अर्थ मूव करती है, ठीक है, तो वही है कि अर्थ क्या है सन के गोल्डीलॉक्स जोन में। आगे बढ़ते हैं, न्यू मून्स सैटर्न में डिस्कवर किया गया। अभी क्या है सैटर्न में 20 न्यू मून्स को डिस्कवर किया गया है, तो अब सैटर्न में जो टोटल नंबर ऑफ मून्स हो गया कितने हो गए, 82 हो गए। मून जो डिस्कवर किए गए हैं वो सुबारू टेलीस्कोप यूज़ करके किए गए हैं मुकान हवाई में। इससे पहले क्या जुपिटर के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स 79 मून्स है, लेकिन अब सैटर्न के पास हाइएस्ट नंबर ऑफ मून्स हो गए हैं, ठीक है, तो सैटर्न ने ओवरटेक कर लिया जुपिटर को। अभी जो सैटर्न में 20 मून्स मिले उसमें जो 17 मून्स हैं वो प्लैनेट की अपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिट कर रहे हैं जिसे रेट्रोग्रेड डायरेक्शन बोलते हैं, बाकी जो तीन जो मून्स हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिसमें सैटर्न रिपोर्ट रोटेट करता है, तो उसे प्रोग्रेड डायरेक्शन बोलते हैं। कॉमेट 21 बोरिसोव, अभी क्या ये फर्स्ट आइडेंटिफाइड कॉमेट है जो सन के काफ़ी क्लोज आ चुका है फ्रॉम अनदर स्टेलर सिस्टम। ये सेकंड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो अभी तक आइडेंटिफाई किया है जिसने सोलर सिस्टम को पास किया है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे सोलर सिस्टम में बोर्न हुए हैं और इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रैवल करते हैं अराउंड द सन, वाइल जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो फॉलो करते हैं हाइपरबोलिक पाथ, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स कौन होते हैं, ठीक है, जो देखो जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो करते हैं, ठीक है, एक होते हैं इंटरस्टेलर, इंटरस्टेलर बॉडीज़ क्या होते हैं जो हाइपरबोलिक पाथ क्या करती हैं फॉलो करते हैं, ठीक है, ये कंफर्म कर लिया कि जो ये जो कॉमेट है 2I बोरिसोव इसका मोर हाइपरबोलिक पाथ देन एनी अदर कॉमेट विच हैज़ बीन स्टडीड टू डेट। जो इंटरस्टेलर प्रोजेक्ट्स हैं ये हमें यूनिक डाटा प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से जो स्टार सिस्टम है उनका क्या ओरिजिन था, पर्टिकुलरली उनका बिल्डिंग ब्लॉक्स। आगे बढ़ते हैं एस्टेरॉयड बुनू, अभी क्या जो नासा का ओसिरिस रेक्स टीम है उसने क्या किया है, एस्टेरॉयड बुनू की एक लोकेशन है नाइटिंगेल, वहाँ से सैंपल को कलेक्ट किया है, ठीक है। अभी जो लोकेट है ये जो नाइटिंगेल साइट है ये एस्टेरॉयड बुनू के नॉर्थ पोल में लोकेट है, इस रीजन में जो टेम्परेचर है वो लोअर है देन एनीवेयर एल्स ऑन द एस्टेरॉयड, और जो सर्फेस मटीरियल है इसका वहाँ पर वेल प्रिजर्व्ड है। ओसिरिस रेक्स मिशन इसको हम ऑल्सो सेलेक्टेड द ओस्प्री एज अ बैकअप सैम्पल कलेक्शन साइट, मतलब कि एस्टेरॉयड बोनू में ही अभी हमने नाइटिंगेल लोकेशन से सैंपल कलेक्ट किया, लेकिन अगर यहीं पे ना मिलता तो इन्होंने एक और सैंपल कलेक्शन साइट चूज़ की हुई थी दैट इज़ द ओस्प्री, अगर कहीं हमें नाइटिंगेल के सर्फेस में कुछ डिस्टर्बेंस मिलती तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हाइगिया, रिसेंटली क्या है एस्ट्रोनॉमर्स ने हाइगिया को ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर किया है, इससे क्या है हमारे पास ऑफिशियली 5 ड्वार्फ प्लैनेट हो गए सोलर सिस्टम में, इस प्लूटो एरिस मेकमेक होमिया और सिरिस के बाद, ठीक है। अभी क्या हो गया जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 4 क्राइटेरिया सेट किए होंगे एक ड्वार्फ प्लैनेट बनने के लिए, ठीक है, अगर क्या होगा अगर वो सन के अराउंड ऑर्बिट करता है और अगर वो मून नहीं है, अगर इट हैज़ नॉट क्लियर दैट नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, एंड लास्टली इनफ मास है कि वो ग्रेविटी, इसके पास इतनी ग्रेविटी है कि वो जो रफली स्फेरिकल शेप है उसे पुल कर सके। हाइजा तो अभी तक क्या था उसको एस्टेरॉयड कंसीडर किया जा रहा था क्योंकि जो फोर्थ क्राइटेरिया था वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था, तो ये कहाँ अप्लाई करता है मार्स और जुपिटर के बीच में, अर्लियर इसने क्या सिर्फ 3 क्राइटेरिया फुलफिल किए थे, लेकिन अभी क्या न्यू ऑब्जर्वेशन ली गई है यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के स्फेयर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वेरी लार्ज टेलीस्कोप के थ्रू, तो उसने बताया कि हाइजा ने अपनी जो फोर्थ क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर लिया, इस वजह से अब वो ड्वार्फ प्लैनेट के लिए एलिजिबल हो गई है, ठीक है। हीलियम हाइड्राइड के साइंटिस्ट ने अभी हीलियम हाइड्राइड मॉलिक्यूल स्पॉट किया कहाँ पे, पहली बार स्पेस में। हीलियम हाइड्राइड क्या होता है HeH+ बोलते हैं इसमें एक, ठीक है, इसमें क्या होता है देखो इस तरह का होता है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ हीलियम एटम होता है जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन एटम के द्वारा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड होता है, इसे हम प्रोटोनेटेड हीलियम भी बोलते हैं। ये लाइटेस्ट हेट्रोन्यूक्लियर आयन होते हैं एंड इज़ बिलीव टू बी वन ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म्ड इन द यूनिवर्स, और ये माना जाता है कि बिग बैंग थ्योरी के बाद जो पहला जो कंपाउंड बना था वो हीलियम हाइड्राइड ही था, ठीक है, तो आप ये पता होना चाहिए थोड़ा सा। टार्टिग्रेड क्या है, अभी इजरायली स्पेसक्राफ्ट क्या है जब उसको मून पे लैंड करना था उससे क्रैश हो गया जिस वजह से थाउजेंड्स ऑफ टार्टिग्रेड्स ऑन बोर्ड हो गए। टार्टिग्रेड को हम वाटर बियर और मोस्ट पिगलेट भी बोलते हैं, रेफर टू एनी ऑफ मोर देन थाउजेंड स्पीसीज ऑफ फ्री लिविंग टीनी इनवर्टिब्रेट्स बिलोंगिंग टू द फाइलम टार्टिग्रेड, इनको क्या बोलते हैं कंसीडर किया जाता है कि ये क्लोज रिलेटिव हैं किसके, आर्थ्रोपोड्स के, दैट इज इंसेक्ट्स या क्रस्टेशियंस के। ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं जिनका साइज 1 मिलीमीटर या उससे भी कम होता है। ये इट इज़ द ओनली एनिमल टू हैव सर्वाइव ऑल द 5 एक्सटिंक्शन टू द मैन। नेप्ट्यून डेजर्ट क्या है, देखो ये रीजन है क्लोज टू स्टार जहाँ पे नेप्ट्यून साइज प्लैनेट नहीं पाया जाता, इस एरिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेडिएशन पाई जाती है स्टार के, मीनिंग द प्लैनेट डू नॉट रिटेन देयर गैसेस एटमोसफेयर एज दे इवेपोरेट लिविंग जस्ट आर रॉकी ओर। रिसेंटली क्या है
हमने क्या किया, जो एक्सोप्लेनेट उसे डिस्कवर किया जिसका नाम ये है NGTS-4B, निकनेम इसका पाया फॉरबिडन प्लैनेट, ठीक है, जो नेपोटेनियन डेजर्ट में, इसका मतलब कि देखो ये नेपट्यून से काफ़ी छोटा है लेकिन जो साइज अर्थ के साइज से ये 3 गुना ज़्यादा है। प्लैनेट 9 के देखो ये हाइपोथेटिकल प्लैनेट है जो कि सोलर सिस्टम के आउटर रीजन में पाया गया। इसका जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट एक्सप्लेन करते हैं, अनयूजुअल क्लस्टरिंग ऑफ ऑर्बिट फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्सट्रीम ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड बॉडीज बियॉन्ड नेपट्यून दैट ऑर्बिट द सन एट अ डिस्टेंस इज एवरेजिंग मोर देन 250 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। अभी क्या एक्सोप्लेनेट है K2-18b, वहाँ पे वाटर फाइंड आउट किया, एक्सट्रोनॉमर से पहली बार डिस्कवर किया है एक्सोप्लेनेट K2-18b पे एटमोसफेयर, जिसमें क्या है हमने वाटर ढूंढा है, साथ में क्या है हमने देखा कि वहाँ पे अर्थ लाइक टेम्परेचर जो लाइफ सपोर्ट कर सकता है। जो K2-18b है ये 8 times बड़ा है मास ऑफ अर्थ से और इसको सुपर अर्थ भी बोला जाता है। रिजल्ट रिवील किया है कि यहाँ पे वाटर वेपर भी हैं, साथ में कुछ मटेरियल्स भी प्रेजेंट है जैसे हाइड्रोजन हीलियम इस प्लैनेट के एटमोसफेयर में, ठीक है। प्लैनेट ऑर्बिटिंग द वाइट ड्वार्फ स्टार, पहली बार है कि किसको प्लैनेट क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है वाइट ड्वार्फ स्टार को, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वाइट ड्वार्फ स्टार को पहली बार कोई प्लैनेट क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। वाइट ड्वार्फ स्टार रिप्रेजेंट करता है एंड पॉइंट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड द लो मास स्टार। जो वाइट ड्वार्फ है ये सन, इस ये सन की तरह स्टार है, इज व्हाट स्टार लाइक द सन बिकम आफ्टर दे हैव एग्जॉस्टेड देयर न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है। यह पढ़ लेना, इसमें कुछ इतना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। 2020 CD3 क्या है, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, जिसे मिनी मून भी बोला गया या तो प्लैनेट का सेकंड मून भी बोला गया। एक्चुअली ये एस्टेरॉयड है लेकिन कार के साइज इतना है, जिसका डायमीटर 1.9 to 3.5 meters है, लेकिन ये परमानेंट मून नहीं है, ये बस टेम्परेरी है, ठीक है, जो इवेंचुअली ब्रेक कभी भी हो सकता है अर्थ के ऑर्बिट में, ठीक है। स्टारडस्ट क्या, देखो ये ओल्डेस्ट सॉलिड मटेरियल है एवर फाउंड ऑन द अर्थ, ये किसी मेटेराइट में ट्रैप है जो कि ऑस्ट्रेलिया में 50 साल पहले गिरा था। ये माना जाता है 5 to 7 billion years ओल्ड है, ठीक है, विच इज़ अबाउट 4.6 billion years ओल्ड। सुपर जियंट स्टार बेटलग्यूज, देखो बेटलग्यूज क्या है, एक रेड सुपर जियंट स्टार है जो सन से भी 20 गुना ज़्यादा बड़ा है, ओरियन के कॉन्स्टेलेशन में है। यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने वेरी लार्ज टेलीस्कोप यूज़ करके एस्ट्रोनॉमर्स ने नोटिस किया कि अभी क्या है, जो इस स्टार की जो शेप है और जो लाइट की जो डिम होती है उसमें कुछ चेंज देखने को मिला। सो गाइस अभी के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे, अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय टाटा।